हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। और सबसे पहले सॉरी फॉर लेट वीडियो। मुझे मालूम है आप लोग को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था और मैंने लेट किया स्वाभाविक रूप से। परिस्थितियाँ ऐसी हैं, अब मैं क्या बताऊँ। इस समय आप लोग खुद समझते होंगे कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइम चल रहा है कोरोना के नाम से कि मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों को मुझे मैनेज करना पड़ा इसके लिए। खैर, हम पढ़ रहे हैं समाकलन के अनुप्रयोग का आज पहला पार्ट। समाकलन, निश्चित समाकलन हमारा पूरा हो गया और आज हम पढ़ेंगे समाकलन के अनुप्रयोग का पहला पार्ट। ऐसे भी एक मैटर ये भी है कि मैं कैसे भी करके वीडियो फटाफट बनाया होता, लेकिन 12th क्लास के एग्ज़ाम का कंडीशन ऐसा क्रिएट हो गया है कि पूरा अनसर्टेन कंडीशन में है। अपन कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी। मे भी ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाए, घर में बैठ के कॉपी लिखें, कुछ भी हो जाए, क्योंकि इतना बुरा वक्त चल रहा है अभी कोरोना के नाम से, बियॉन्ड इमेजिनेशन। मैंने खुद जब पहले टाइम में आया और बीच में जैसी स्थिति बनी तो इतना निगेटिव मैंने कैलकुलेशन नहीं किया था, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि मेरे खुद शहर में आज कम से कम 15-20 दिन से कम्प्लीट 100% लॉकडाउन है। आप लोग के भी शहर में ही होगा, पूरे देश के ही हाल है। बिल्कुल रोड में कर्फ्यू लगा है, हम घर से किसी भी काम के लिए नहीं निकल पाते, तो कंडीशन बहुत ही ख़राब है। 10th क्लास का पूरे इंडिया में सभी बोर्ड ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है। सबसे पहले CBSE ने किया, धीरे धीरे सब बोर्ड ने कर दिया है। 12th सभी स्टेट में पोस्टपोन है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं से 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऐसा निगेटिव माहौल बन गया कि अब क्या होगा, होगा भी नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, कैसा होगा, ईजी गोइंग होगा, उस हिसाब से थोड़ा सा डिले भी हो गया क्लास। तो ज़्यादा आपको सोचने का नहीं है, मैं अपने अभी जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें एक बात आपको ज़रूर बोल रहा हूँ कि अब आप अपना प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस पर करिए, क्योंकि कल के लिए 2 साल बाद, साल भर बाद जब सब परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी तो कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि आपके कोरोना के टाइम में आपने इस तरह से क्या किया। आप तो उन्हीं बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन में बैठेंगे जो उस समय बहुत अच्छे से रेडी होके आएंगे, तो आप अपना टाइम को ख़राब मत करो। बोर्ड एग्ज़ाम होगा तब जब भी होगा, किसी के साथ निगेटिव रिजल्ट नहीं होगा, ये आपको पता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन तो आपको करना ही है, और जैसे बोर्ड एग्ज़ाम का एग्ज़ाम डिक्लेयर होगा, पास आएगा, तो हम थोड़ा अलग ढंग से, जैसे फिजिक्स का भी मेरे लाइव क्लास के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आता है, सर आपने लाइव क्लास बंद कर दिया, वो मैं करूँगा, लेकिन मैं अभी रिविज़न करके करेंगे क्या, उसका एग्ज़ाम का डेट भी डिक्लेयर नहीं हुआ, फिर हम बाद में वही परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए जब भी डेट आएगा मैं पूरी इफिशियंसी के साथ आपको कोऑपरेट करूंगा, आप चिंता मत करिए। अभी आप तैयारी अपने सारे सब्जेक्ट का कॉम्पिटिटिव के बेस में करिए। देखिए, IIT JEE का डेट भी आके पोस्टपोन हो गया निश्चित काल के लिए। नीट का एग्ज़ाम बहुत लास्ट में है, अभी 1 अगस्त को तो चल रहा है, यदि अगस्त के कुछ दिन पहले तक परिस्थितियाँ सामान्य नहीं हुई तो वो फिर आगे खिसक जाएगा। मतलब एकेडमिक जो एटमॉस्फेयर है इंडिया का, वो कम्प्लीटली अभी बहुत ही ख़राब कंडीशन पर है। तो सबको पेशेंस के साथ, सभी स्टूडेंट को मेरा एक ही सजेशन है कि पूरी पेशेंस के साथ, पूरा धैर्य रख के आप अपनी पढ़ाई बहुत आराम से, नॉलेज को ध्यान में रख के करिए। आपका नॉलेज गेन होना चाहिए, कितना मार्क्स आया, कितना परसेंट आया, 12th में कैसा रिजल्ट आया, ये ज़्यादा कैलकुलेशन का टाइम नहीं है, सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो नॉलेज का आपको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि फ्यूचर में आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, चाहे नीट हो, IIT हो, NDA हो, जिस भी तरह के, या किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस, हाँ एक बात आप ध्यान में रखना, फ्यूचर में सभी अच्छे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही आपका एडमिशन लेंगे, ये आप मेरे से 100% सुन लो। अभी तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी पहले से ही लेते हैं, लेकिन आगे चल के तो लेंगे ही लेंगे, जो नहीं लेते थे वो भी लेंगे, क्योंकि 12th का परसेंट तो ऐसे ही बिल्कुल बटेगा। तो उसके बाद फिर अच्छे स्टूडेंट को सॉर्ट आउट करने के लिए उनको एंट्रेंस टेस्ट लेना पड़ेगा, और तब आप एंट्रेंस टेस्ट में बैठेंगे तो आपका यदि सब्जेक्ट में कमांड नहीं है, आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की, वहाँ आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए परिस्थितियों को देखो, लाइफ में सक्सेस वही होता है जो परिस्थितियों के अनुकूल अपने सिस्टम को बनाता है, या अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल सामंजस्य स्थापित करता है, अडाप्टेशन करता है, वही सक्सेस होता है। तो सब स्टूडेंट को मेरा एक ही मैसेज है कि नॉलेज के हिसाब से आप बहुत आराम से मज़े लेके पढ़िए और स्वस्थ रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा परेशान होने का नहीं है, आप अच्छा मज़े लेके आप मैथ्स पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री, अपने सारे सब्जेक्ट आप बहुत इंजॉय करके पढ़िए, ताकि आपको नॉलेज गेन हो। नॉलेज ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है आपको।
ये जो चैप्टर मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ, ये कैलकुलस की जान है, समझ लो। हम जितना कैलकुलस पढ़े, हम डिफ्रेंशिएशन पढ़े, इंटीग्रेशन पढ़े, इंटीग्रेशन में अनिश्चित पढ़े, फिर निश्चित समाकलन पढ़े, डेफिनेट इंडेफिनिट पढ़े, और ये जो इसका एप्लीकेशन है, एक बात आप नोट कर लो, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा कोई पेपर नहीं हो सकता, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई मैथ्स का क्वेश्चन पेपर नहीं हो सकता जिसमें इससे क्वेश्चन ना आए, इससे क्वेश्चन ना आए, ये हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन कराऊंगा, और वो 3 क्वेश्चन पूरे इसके मास्टर क्वेश्चन है, पूरी इसकी जान है। वो 3 क्वेश्चन को आप तैयार कर लिए तो मे बी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 3 में से ही कोई एक आएगा, और वो ना आए तो उन 3 से 100% रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, और आज के वो 3 क्वेश्चन हमारे जो हैं वो देखो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हमको पढ़ना क्या है। क्वेश्चन से पहले हम डिस्कशन कर लें कि हमको पढ़ना क्या है इसमें। इनको इसमें हमको निकालना है किसी फंक्शन का, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट यह है कि हमको एक फंक्शन दिया रहेगा, वाई इज ए सपोज फंक्शन ऑफ एक्स, हमको एक फलन दिया है जो किसके चर के रूप में है, एक्स के चर के रूप में है, और वो जो फलन है वो फलन साइन फलन हो सकता है, कॉस फलन हो सकता है, किसी भी फॉर्म में फलन हो सकता है। तो वो फलन जो है एक्स अक्ष के साथ या वाई अक्ष के साथ या दोनों के साथ कंबाइंड कितना एरिया कवर करता है, कितना एरिया घेरता है, ये हमको क्षेत्रफल निकालना होता है, माने एरिया इनक्लोज्ड एरिया हमको निकालना होता है। और उस एरिया को निकालने के लिए हमारे पास सीधा सा फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और यहाँ पर आपको लिमिट पुट करना पड़ेगा a टू b किसका, x का। मतलब इसको हम लिख सकते हैं a टू b y को लिखेंगे फंक्शन ऑफ x dx, इसका हम समाकलन करेंगे और इसको a टू b, तो हमको इनक्लोज एरिया मिल जाएगा। इतना ही कॉन्सेप्ट है बस। अब इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, जब तक एक क्वेश्चन लेके उसको मैं प्रॉपर सॉल्व ना करूँ तब तक आप वो ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या है इसके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, और जो मैं 3 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन अपन सबसे पहले करते हैं, उसके बाद हमको सब क्लियर हो जाएगा, ओके। वैसे मैं इसको बहुत लेंदी वीडियो ना बना के छोटा छोटा पार्ट में बनाऊँगा, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे आज मैं 3 टाइप के क्वेश्चन बताया, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में 3-4 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, तो आर्टिकल टाइप्स के क्वेश्चन को मैं सबसे पहले बताऊंगा, जिसका एग्जाम में आने का पूरा चांस होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही इसका। चलिए नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन लेते हैं एक, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि सपोज एक इलिप्स है, इलिप्स का इक्वेशन है, इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, ये इलिप्स का इक्वेशन है, और ये कितना एरिया इनक्लोज करता है, हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त। इस दीर्घवृत्त के द्वारा कितना एरिया इनक्लोज किया जाता है, कितना एरिया घेरा जाता है ग्राफ में, उसको हमको कैलकुलेट करना है बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन मेथड। क्लियर, क्वेश्चन आ गया समझ में। किसी दीर्घवृत्त द्वारा जिसका समीकरण यह है, इसकी सहायता से हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने बार आ चुका है जिसकी गिनती नहीं है। आज जो 3 क्वेश्चन बताऊंगा वही आते हैं या उससे रिलेटेड आते हैं, बस एक एक क्वेश्चन करके आप बहुत आराम से उसको तैयार करिए। तो इसका मेथड क्या होता है, सबसे पहले देखो एक फिगर हम बनाते हैं, और यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग। ये सपोज x और y एक्सिस है, और यहाँ पर मैं प्रॉपर फिगर नहीं बना के आपको समझाने के लिए फिगर बना देता हूँ, तो टाइम वेस्ट होता है। ये इलिप्स है, ये आपको पता है इस तरह से इलिप्स होता है। अब ये इसका x एक्सिस है, ये इसका y एक्सिस है, ये इसका सेंटर है, और ये जो कोऑर्डिनेट्स होता है, ये वाला कोऑर्डिनेट्स होता है, मतलब ये होता है a0 और ये वाला होता है 0b। ये दीर्घ अक्ष कहलाता है, लघु अक्ष कहलाता है। ये सब आप 11th क्लास में कोनिक सेक्शन में पढ़े हैं, 11th क्लास में जो आपने पढ़ा है शंकु परिच्छेद, तो शंकु परिच्छेद में पढ़ा है। नहीं भी पढ़ा होगा तो मेरा वीडियो में जब वहाँ पहुँचेगा तो एक आध बार देख लेना, अभी तो वहीं पहुँचा नहीं, बहुत दूर है वहाँ पर, 11th का क्लास में थोड़ा डिले ही है। अब हमको क्या निकालना है कि ये जो इलिप्स है इसमें कितना एरिया इनक्लोज करता है, ये हमको निकालना है, कितना क्षेत्रफल घेरता है। तो इसका मेथड क्या है, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को y के लिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको फंडामेंटल में बताया कि हमको y dx करना है, y को हमको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है।
तो क्या करेंगे हम, देखो इसको y के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करें तो चूंकि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 है, दैट इम्प्लाइज यहाँ पर इसको हम उधर ट्रांसफ़र कर दें तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज यहाँ से हमको y का वैल्यू चाहिए तो y स्क्वायर इक्वल टू उसको उधर ट्रांसफ़र कर दो, ये हो गया बी स्क्वायर, और अंडर ब्रैकेट यहाँ एलसीएम ले लें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और देयर फोर वाई इक्वल टू यहाँ से वाई का वैल्यू निकालना है, दोनों साइड का रूट ले लें तो बी और अपॉन ए इसका भी रूट होगा ए, और यहाँ पर रूट ऑफ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई का वैल्यू। तो पहला स्टेप में मैंने पहला वर्किंग स्टेप क्या बताया, सबसे पहला काम है कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो पहला काम है क्वेश्चन को लेके वाई का वैल्यू फाइंड करना, ये पहला काम है। अब यहाँ पर देखो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो वाई डी एस करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो एरिया है इलिप्स में यहाँ पर देखो ये हमारा टोटल एरिया है, लेकिन हम एक इस पार्ट का एरिया पहले निकाल लेते हैं, यही प्रॉपर मेथड है इसमें, ये मतलब एक क्वाड्रेंट में एक चतुर्थांश में जो एरिया है उसको हम निकाल लेंगे, और इतने के एरिया में चूंकि ये इसके अक्ष इसको चार बराबर भाग में बांटते हैं तो एक एरिया का हम एक पोर्शन का एरिया निकाल के उसमें चार को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल एरिया निकल जाएगा, ये इसका मेथड है। और एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व करेंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट रखेंगे, वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो वाई का अपन उसका लिमिट को रखेंगे, तो उसमें ज़्यादा उलझना नहीं, हमेशा क्वेश्चन को हमको वाई डी एक्स करना है, उल्टा भी बनता है लेकिन शुरू से मैं आपको कई तरीके से बताऊँ तो आप थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हो, क्लियर। चलिए तो अब हम यहाँ पर एरिया निकालते हैं, देयर फॉर एरिया इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन आप ब्लैक में लिखूँ क्या है ना, ज़्यादा क्लियर होता है आप लोग को वीडियो में खासकर, देयर फॉर इनक्लोज एरिया ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, और इसका लिमिट क्या होगा, देखो लिमिट यहाँ फिगर में देखो, यहाँ से हम चलेंगे मतलब कहाँ से चलेंगे, जीरो से कहाँ तक जाएंगे ए तक, तो लिमिट हमारा हो जाएगा जीरो टू ए, ये हमको एरिया निकलेगा, दैट इक्वल अब इसमें हम वैल्यू को पुट अप कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए हमारे क्वेश्चन में देखो वाई हमने क्या किया बी अपान ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है तो बी अपान ए, अच्छा देखो यहाँ पर फोर का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम ये एक पार्ट का एरिया है इसमें चार का गुणा करेंगे, आपको समझा दिया मैं, तो हो जाएगा फोर और क्या है बाहर में बी अपान ए, तो ये हो गया बी अपान ए, और यहाँ पर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बस अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए फोर बी अपान ए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इस क्वेश्चन में जो होता है वो है इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको, और ऐसा इंटीग्रेशन आप कंप्लीट पीछे पढ़े हो, यदि आपको यहाँ पर का इंटीग्रेशन नहीं बनेगा तो आपको पीछे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए मैं आपको बोला कि पूरा इसका एप्लीकेशन है, ठीक है पूरा इसका एप्लीकेशन है कि इंटीग्रेशन आपको पीछे का पता होना चाहिए। देखो दैट इक्वल रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉइंट टू एक्स, वन अपॉइंट टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक पार्ट ये होता है और सेकंड वन अपॉइंट टू ए स्क्वायर प्लस वन अपॉइंट टू ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, समाकलन आपको याद रहना चाहिए, हमको भले ही फार्मूले याद नहीं रहते, टीचर्स फार्मूले जनरली याद नहीं कर, कितना फार्मूला याद करोगे, क्योंकि हमको प्रोसेस कॉन्सेप्ट से मतलब होता है, लेकिन आपको फार्मूला प्रॉपर लर्न करना है, यदि आप फार्मूला प्रॉपर लर्न नहीं करेंगे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो ये फार्मूला आप पीछे पढ़ चुके हो, सबका मैं प्रोवाइड कराया हूँ आपको चार्ट सब चीज़ प्रोवाइड कराया हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन होने के बाद इसका लिमिट यहाँ पर पुटअप हो जाएगा जीरो टू ए, ओके। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन होने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट पुट अप करेंगे तो दैट इक्वल यहाँ पुट अप कर दूँ मैं लिमिट फोर बी अपॉन ए अपर लिमिट, देखो ये अपर लिमिट ए है तो अपर लिमिट जैसे ही मैं यहाँ पर ए रखूँगा तो ए स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस ए, तो पूरा अपर लिमिट के लिए पोर्शन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्लियर ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर यदि मैं अपर लिमिट रखूँ तो वन अपॉइंट टू ए स्क्वायर अरे हो जाएगा साइन इन्वर्स फार्मूला में प्लस ही होता है ना साइन इन्वर्स, और ये ए अपान ए मतलब वन हो जाएगा,
और लोअर लिमिट रखेंगे तो सवाल ही नहीं है, लोअर लिमिट रखने से आप देख रहे हो इसके कारण ये पूरा जीरो हो जाएगा और इसके कारण ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो लोअर लिमिट को तो रखने का मतलब ही नहीं है, दोनों जीरो हो गए, ये हमको मिल गया। क्लियर। आगे हम इसको सॉल्व करें तो 2 के साथ में कैंसिल होगा और 1 a के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो 2ab आएगा, दैट इम्प्लाई दैट एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2ab, ध्यान देना। और यहाँ पर साइन इन्वर्स वन का मतलब क्या होता है, पाई बाई टू। साइन जो है 90 डिग्री के लिए 1 वैल्यू देता है, तो उसको हम क्या ले सकते हैं, पाई बाई टू, दैट इक्वल टू 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एरिया निकल गया पाई ए बी। ये जो पाई ए बी एरिया निकला, यही क्या है, किसी दीर्घवृत्त द्वारा बनाया हुआ या घेरा हुआ क्षेत्रफल है। पाई ए बी एरिया है तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर, और कोई मात्रक नहीं है तो यूनिट। ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर, तो बेस्ट है। और आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप तैयार करोगे तो ये आपको याद भी रहना चाहिए कि इलिप्स जो होता है, दीर्घवृत्त जो होता है, वह चारों चतुर्थांश में पाई ए बी के बराबर क्षेत्रफल घेरता है। ये आर्टिकल है, ये क्वेश्चन आर्टिकल है आपका, ये आर्टिकल के फॉर्म में है। यही क्वेश्चन यदि दूसरे फॉर्म में आपको मिले तो वहाँ पर आप ऐसा ही इसको बनाओगे, लेकिन वहाँ पर आपको प्रेस मतलब बनाना ऐसे ही है, मतलब इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लिए तो इलिप्स वाले सारे क्वेश्चन आपने बना लिए। इस चैप्टर का खासियत है कि एक क्वेश्चन आपने कर लिया तो उससे रिलेटेड फिर पूरे क्वेश्चन आप कर लेंगे, मतलब आपको अब दीर्घवृत्त वाले सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मान लो यहाँ पर हमारा कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ऐसा आपका क्वेश्चन है। तो नेचुरली आप इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हो, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर अपॉन इसको 5 का स्क्वायर लिखोगे प्लस वाई स्क्वायर और 3 के स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखोगे। अब अपने क्वेश्चन से आप इसका कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि a का वैल्यू यहाँ पर 5 है और b का वैल्यू 3 है। तो जब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो कम्प्लीटली इसी को फॉलो करेंगे और यहाँ पर a का वैल्यू 5, इसका वैल्यू 3 लिख के पूरा सेम टू सेम बनाएंगे, बस वैल्यू को चेंज कर देंगे। यदि हमको डायरेक्ट इसका आंसर चाहिए एरिया, तो आप देखो सूत्र याद कि यहाँ पर a इक्वल टू पाई इन टू बी, तो है आएगा पाई और a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5, b का वैल्यू 3, तो 15 पाई। इसका तो ओरल आंसर निकल गया, देखो बिना बनाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे हम इसका आंसर दे लेते हैं। मतलब यदि किसी स्टूडेंट को ये पता हो कि दीर्घवृत्त द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल पाई ए बी होता है तो किसी भी दीर्घवृत्त के क्वेश्चन को इस तरह से ओरल आंसर दे सकता है। समझ गए आप, दैट मीन्स इसीलिए मैं आपको पढ़ाना शुरू किया तो पहला यही बात बोला कि आज मैं तो 3 क्वेश्चन बताऊंगा, मैं चाहूँ तो 10-15 क्वेश्चन एक दिन बाद, कुछ मतलब नहीं है। एक एक पैटर्न के क्वेश्चन को आप तैयार कीजिए, तो 3 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर अलग पैटर्न के, जैसे आज मैं आपको 3 चीज़ बता रहा हूँ जो अपन कॉनिक सेक्शन में पढ़ते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है दीर्घवृत्त, फिर वृत्त और फिर परवलय। अति परवलय तो ऐसे ही बन जाता है, परवलय अति परवलय एक जैसे बनता है, क्योंकि आपको पता है उसके इक्वेशन में बस बीच में यहाँ पर माइनस होता है। उसके बाद फिर हम करेंगे तो सरल रेखा का करेंगे, फिर साइन का करेंगे, फिर कास का करेंगे। मतलब मेरे 2-3 वीडियो में जो मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, यदि आप उन प्रश्नों को मेहनत करके ईमानदारी से तैयार कर लिए तो आपका एप्लीकेशन में 100% कमांड हो जाएगा, फिर आप कैसे भी क्वेश्चन बना लें। उसका इसका जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे उसमें डबल कर्व द्वारा इनक्लोज एरिया पढ़ेंगे, अभी सिंगल कर्व है वो बाद में बात करेंगे उस पर, तो 2 पार्ट में हमको इसको पढ़ना है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ आप लोग को तैयार हो गया होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमने दीर्घवृत्त को लेके बनाया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ वो है वृत्त के लिए, सर्कल के लिए। हमारे पास वृत्त का समीकरण है और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना कि आपको चित्र बनाना कंपलसरी है। यदि आपने चित्र नहीं बनाया तो आपका बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स कट जाएगा। ये मैंने सर्कल बना दिया। अब मेरे पास बहुत सारे टूल हैं लेकिन वो टाइम वेस्ट होता है, चलिए मैं डायरेक्ट आपको बताते जा रहा हूँ। ये हमारा सर्कल है। सर्कल में आप देख रहे हो कि सर्कल का जो रेडियस होता है, ये सर्कल का रेडियस ए है, इस फार्मूला में आपको पता है। तो ये तो ओरिजिन हो गया 0 और ये पॉइंट हो जाएगा क्या, a0।
बाकी अब एक क्वेश्चन करने के बाद आपको वर्किंग स्टेप पूरा क्लियर होगा, सेम टू सेम वही काम करना है। वैसे ये मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। यदि पीछे प्रीवियस कमांड आपको अच्छा है तो खूब मजा आने वाला है। वैसे कैलकुलस का नेचर है कि कोई भी स्टूडेंट जिस दिन से डी बाई डी एक्स करना शुरू करता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का जब पहला फार्मूला पढ़ता है, उस दिन से यदि स्टेप बाई स्टेप धीरे धीरे वो सब चीज़ों पर कमांड करते चले जाए तो कैलकुलस उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और ईजी है। लेकिन यदि इसकी कड़ी टूटी, मतलब आप किसी एक पैटर्न को नहीं किए या किसी प्रकार को आपने चूक किया, तो फिर वो मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देखो, अभी जो क्वेश्चन बनाए हैं सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस एरिया का अपन निकाल लेंगे, बस इस एरिया का निकाल के 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली बात मैंने बताया इसको क्या कि सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को किसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, वाई के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहीं से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, दैट इम्प्लाइज अब डायरेक्ट ही लिख देता हूँ मैं, इतना तो आप समझ सकते हो। वाई इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू। यहाँ से मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया, देयरफॉर इनक्लोज एरिया ए इक्वल टू 4। यहाँ पर भी क्यों 4 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एक एरिया है और ऐसे और एरिया है 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और वाई डी एक्स होगा, वाई डी एक्स हमेशा यही होगा और लिमिट 0 से स्टार्ट करेंगे और ए तक जाएंगे, एक्स का लिमिट तो 0 टू ए। तो क्लियर ये लाइन, आप सब लोगों को वही काम कर रहे हैं बस, बल्कि उससे आसान है ये। दैट इक्वल ये हो जाएगा 4। अब इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए, वाई का वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन भी वही है जो भी किया है, तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाता है ये 1/2x रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका इंटीग्रेशन है। क्लियर। और यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे 0 टू ए लिमिट वहाँ पर रख दिया। अब लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे, दैट इक्वल लिमिट पुट करने से क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अपर लिमिट को रखो, अपर लिमिट करने से ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे अपन तो 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए माने 1, और माइनस लोअर लिमिट तो रखने की ज़रूरत नहीं, बताया भी 0 भी 0 हो जाएगा। सेम वही काम है, देखो एक क्वेश्चन करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो इसके साथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया 2 ए स्क्वायर और इनटू ये कितना हो जाएगा 1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं π/2, दैट इक्वल यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो गया πa² तो ये इसका जो एरिया आएगा वो πa² आएगा, ये हो जाएगा सर्कल का एरिया πa² स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर है। अब देखो मान लो आपको स्क्वायर का क्वेश्चन बनाना है, इस क्वेश्चन में इसके जगह में मान लो क्वेश्चन में हमको यहाँ पर 25 दे दे, मान लो इसके जगह में हमको 25 दे दे, तो नेचुरली आप समझ जाओगे ए का वैल्यू कितना होगा 5 होगा। तो बस ए के जगह में 5 पुट करो, यहाँ 5 पुट कर 25 उसका आंसर हो जाएगा। तो मैं आर्टिकल्स को इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आर्टिकल्स पढ़ाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि एक तो आपको क्वेश्चन दे, वैसे इस चैप्टर में आर्टिकल ही आते हैं एग्जाम में, ऐसा 25 करके आने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि जो स्टूडेंट आर्टिकल तैयार कर लिया तो उसको तैयार कर ही लेगा ना, तो इस रूप में आपको उसको तैयार करना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आते हैं हमेशा, इसीलिए मैं इसी क्वेश्चन से पढ़ाना स्टार्ट किया कि बिल्कुल क्वेश्चन पेपर में एग्जाम होगा तो जाना और देखना, इसमें से सिर्फ यही 3-4 में से क्वेश्चन आए रहेंगे, या तो दीर्घवृत्त रहेगा, चाहे वृत्त रहेगा, चाहे परवलय रहेगा, चाहे सरल रेखा रहेगा, या साइन कांस रहेंगे। तो 3-4 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आपको। तो ये हो गया हमारा वृत्त, क्लियर, सर्कल। इसके बाद हम देख लेते हैं परवलय, पैराबोला, एरिया पैराबोला, ओके क्लियर। ये नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पार्ट को लेंदी नहीं करना चाह रहा हूँ, नहीं तो फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बता दूँ तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता और वही सब उलझ जाता है फिर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पैराबोला, एक पैटर्न का एक जैसे करो, जैसे 3 में बताया वो 3 एक जैसे बन रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से तैयारी करें तो तैयारी अच्छी होती है। पैराबोला हिंदी में बोलते हैं परवलय, यहाँ पर हमारा परवलय का जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्योंकि परवलय के 4 समीकरण होते हैं, परवलय के 4 रूप में समीकरण होता है,
इसमें से एक रूप ये है, तो चारों रूप क्या होंगे, बनाने का तरीका सबका एक होगा। सब 11th क्लास में आपने इसकी पढ़ाई की है। ओके, अब यहाँ पर देखो परवलय कब बनाएंगे, तो फिगर बना लेते हैं भाई। सबसे पहला काम है हमारा ग्राफ बनाना, ये इस तरह से, और ये हमने बना लिया ये परवलय, और ये इसका लेटस रेक्टम कहलाता है नाभिलंब जीवा, इसको हम इसका लेटस रेक्टम कहते हैं, हिंदी में नाभिलंब जीवा कहते हैं, सब आपको याद होगा ये। अब यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, तो यहाँ पर इसका जो निर्देशांक होता है वो ए टू ए होता है, ए टू ए, और इसका वैल्यू होता है जीरो ए, ठीक है, इसका वैल्यू होता है सॉरी ए जीरो, एक्स एक्सिस में है तो ए जीरो होगा। ए जीरो ये लेटेस्ट रेक्टम है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे अभी हम निकालें तो इसके एक पार्ट का एरिया निकालेंगे, इस पार्ट, इसमें चार पार्ट नहीं है, इसमें दो पार्ट हैं, ये दो, तो पहले हम ये जो मैंने शेडेड एरिया बनाया है इसका एरिया निकाल लेंगे इतने का, ठीक है, जीरो टू ए, इसको इंटीग्रेशन करके, और उसके बाद उसमें टू का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू का मल्टीप्लाई करने से पूरा निकल जाएगा। तो पहला हमारा वर्किंग स्टेप क्या है कि हम अपने दिए गए इक्वेशन को किसके लिए लिखते हैं, वाई के लिए लिखते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स को पहले हम किसके लिए बना लेंगे, वाई के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो यहीं पर मैं लिख लेता हूँ, देखो यहाँ पर देयर फोर वाई करके मैं इसको लिख रहा हूँ, तो दोनों तरफ रूट हो जाएगा, तो फोर का रूट टू, और ये हो जाएगा रूट ऑफ ए एक्स। तो पहला काम, ये काम हमेशा ध्यान रखना, पहला काम है हमारा दिए गए इक्वेशन को वाई के लिए लिखना। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एरिया, देयर फोर इनक्लोज एरिया, यहाँ टू मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पर टू मल्टीप्लाई होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने फोर मल्टीप्लाई किया था ना, हाँ, कभी कभी क्या ध्यान से उतर जाता है, तो टू मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों समझ में आया, ये डबल एरिया है इसलिए, तो टू और वाई डी एक्स, ये हो जाएगा टू वाई डी एक्स, ये हो जाएगा, और यहाँ पर इसका जो लिमिट होगा वो क्या होगा, जीरो टू ए, ये है जीरो, और यहाँ से हम कहाँ तक जा रहे हैं, ए तक, तो जीरो टू ए लिमिट होगा, दैट इक्वल टू टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए, और y का वैल्यू अपन सॉल्व करें यहाँ पर, तो यहाँ पर टू रूट ए एक्स, तो टू एक बार लिख देते हैं रूट ऑफ ए एक्स डी एक्स, दैट इक्वल टू बाहर करेंगे तो फोर हो जाएगा, और ये रूट ए भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अब हम रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो x टू द पावर थ्री बाई टू, ठीक है, x का घात एक बटे दो है, एक बटे दो धन एक, और ये भी हो जाएगा थ्री बाई टू, तीन बटे दो, और लिमिट हो गया जीरो टू ए, दैट इक्वल फोर। ये मैंने देखा है, मेरा इतना लॉन्ग एक्सपीरियंस है टीचिंग पर, कि मैंने देखा इस चैप्टर को बहुत से स्टूडेंट बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, ये ग्राफ आफ ये सब देखते हैं बहुत परेशान होते हैं, और कई राइटर लोग बुक में 15 स्टेप 20 स्टेप में बहुत लेंदी तरीके से उसको बनाए रहते हैं, बहुत लेंदी कर देते हैं, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ये आसान है, बस एक देखो मैं कितना प्रॉपर आपको वर्किंग स्टेप से बता रहा हूँ, पहले इक्वेशन लो, वाई के लिए सॉल्व करो, ग्राफ बना लो, और वाई डी एक्स कर दो, लिमिट को रख दो, बस कुछ नहीं करना है, इसको जबरन उलझाने का नहीं है। 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, उलट जाएगा तो, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए का पावर हो जाएगा 3/2, क्लियर, ए टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अपन लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट को पुट अप कर देते हैं, क्या है, 0 टू ए, दैट इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 8/3 रूट ए इंटू, अब अपर लिमिट बस तो रखेंगे यहाँ पर, ए का पावर 3/2, यहाँ लिखता हूँ मैं ना आगे, एरिया इक्वल टू, यहाँ पर इसका पावर रूट मतलब क्या है, 1/2, तो 1/2 और प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा, 4/2, 4/2 मतलब 2, तो हम इस एरिया को क्या लिख सकते हैं, 8/3 ए स्क्वायर, 8/3 ए स्क्वायर, देखें भाई कितना आंसर आता है, 8/3 ए स्क्वायर, ठीक, ये है इसका एरिया, ये इसका क्षेत्रफल है, स्क्वायर यूनिट, क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर यूनिट ये। अब यहाँ पर देखो आपके क्वेश्चन में आपको सिर्फ ए का वैल्यू यदि आपको पता हो ए का, तो आप आंसर लिख सकते हो, यहाँ पर एक वैल्यू पुट अप कर दो, जैसे अपन कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कराते हैं तो स्टूडेंट्स को एक चार्ट बनवाते हैं सीधा, कि भाई ये आकृति है, ये उसका क्षेत्रफल है, ये
परवलय है, इसका क्षेत्रफल ये है, दीर्घवृत्त क्षेत्रफल है, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यदि उसको लर्न कर लिया स्टूडेंट और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो सॉल्व करने जरूरत नहीं है, बस अपने आर्टिकल में इसका वैल्यू को पुट अप कर दो। मान लो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, 3 है या 2 है, कुछ भी है, तो वहाँ पर इसका स्क्वायर कर देगा, उसके वैल्यू को पुट अप कर देगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये तीन क्वेश्चन आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि अपने क्वेश्चन को y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x को y के लिए सॉल्व करो, फिर एरिया निकालना है तो y का इंटीग्रेशन करो और वहाँ से लिमिट डिसाइड कर लो कि कितने लिमिट में करना है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो उसका आंसर हो जाता है। फिर हमने क्वेश्चन लिया दीर्घवृत्त के लिए, यह दीर्घवृत्त का ये जनरल इक्वेशन है, इसको हमने सबसे पहले y के लिए सॉल्व किया, ये y का वैल्यू आया। y का वैल्यू आने के बाद देखो हमने एक क्वाड्रेंट के लिए, एक चतुर्थांश के लिए वैल्यू लिया और उसके बाद इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया पूरा एरिया निकालने के लिए, और इसका हमने समाकलन किया। समाकलन को सावधानी से करना, ये वैल्यू पुट अप करने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा, ये इसका आंसर है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बताया कि क्वेश्चन यदि ऐसा पूछा जाए तो कैसे आंसर होता है। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल में हमने देखा ये वाई के लिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, एरिया इक्वल टू 4 × y, क्योंकि इसमें भी 4 भाग हैं, इसका इंटीग्रेशन किया ये पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो सर्कल का आंसर कितना आ जाता है, पाई ए स्क्वायर। इसको आपको याद भी करना है, इसको आपको याद भी करना है, ध्यान रखना है, पाई बाई 2। ओके, एंड नेक्स्ट इज पैराबोला, परवलय। तो परवलय में ये परवलय की इक्वेशन है, एक पार्ट होगा, दो पार्ट को मल्टीप्लाई होगा तो 2 को मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। और ये हमारा आंसर आ गया 8/3 ए स्क्वायर, फाइनल आंसर 8/3 ए स्क्वायर। तो ये आपको तीन क्वेश्चन आज तैयार करने हैं सबसे पहले। इसके बाद बहुत जल्दी, अब इतना लेट नहीं करूँगा, चिंता मत करो, क्योंकि इस टॉपिक को कंटिन्यू पूरा करना है, नए मैथमेटिक्स पर जानना है, इसके बाद हमको अवकल समीकरण पढ़ना है। कैलकुलस तो वैसे 12th क्लास का मेजर, 12th में कैलकुलस जो कर लिया उसने सब कुछ कर लिया है ना, तो बाकी छोटे छोटे पार्ट हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके और साइन कास और स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा, फिर क्वेश्चन अपन करेंगे। वैसे आर्टिकल में पढ़ा दूंगा तो बाकी आप अपने से कर लोगे, मैं आर्टिकल टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा कवर करने का कोशिश करूँगा, तो आप उसको आराम से करते रहिए। बोर्ड एग्जाम का टेंशन मत लीजिए, जब भी होगा जैसा भी होगा, जो सबके लिए होगा हमारे लिए होगा, उसका कोई टेंशन मत लो। मैं जानता हूँ कि आप लोग थोड़ा स्वाभाविक रूप से, मैं समझता हूँ कि जब तक कोई एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक क्या है, हम उसके प्रेशर में रहते हैं, तो वो है, लेकिन उससे आप थोड़ा उभरिए और आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए तो आगे आप जरूर सक्सेस होंगे। ओके, थैंक यू।